आज बड़ा सन्नाटा है। आ गए यहाँ पर स्टेशन पे हम लोग और ये देख सकते हैं LKM। तो ये LKM जा रही है लखनऊ तरफ। तो लखनऊ तरफ स्टेशन पे जा रही है। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे हैं हम लोग। 4 नंबर प्लेटफॉर्म हमेशा सन्नाटे में रहता है। ये 3 नंबर और 4 और ये 5, इधर 5 वाला बंद रहता है। railwifi कानपुर अब ब्रिज पर चढ़ रहे हैं। इधर जा रहे हैं हम लोग GIC तरफ। दिखाते हैं GIC में कुछ हो रहा है। GIC मैदान देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये है GIC मैदान, बहुत बड़ा है। और GIC स्कूल के पीछे का मैदान है ये। तो हम लोग स्टेशन किस लिए आए ये देख सकते हैं आप। स्टेशन हम किस काम से आए हैं और बहुत देर से स्टेशन पर रुके हुए हैं। तो आप देखिए तब तक कि हम लोग स्टेशन किस लिए आए हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर 12 बजने वाला है यहाँ पर फ्रेंड्स। और अभी तक मेरा वीडियो नहीं हुआ है। 10:30 बजे मैंने इसको रेंडरिंग पर रखा था, यानी वीडियो को बना रहे थे, यानी एडिट कर चुके थे, उसको रेंडर करते हैं, फाइल तैयार हो रही थी। तो बहुत टाइम लग गया। और रात में जब 10 बजे आए वीडियो, उसके बाद मैंने इसको एडिट करना चालू किया। पहले तो डाउनलोड की पूरी फाइल्स को, फिर एडिट किया। तो 12 बजे से एडिट करना चालू किया, 3 बजे तक एडिट किया, फिर 3 बजे सोए। और 3 बजे सोने के बाद सुबह फिर 8 बजे उठकर इसको एडिट नहीं हो पाया था फुल, फिर इसको पूरा एडिट किया, फिर उसके बाद इसको रेंडरिंग पे लगाया है। तो तब से काम चालू है और अभी तक ये वीडियो पढ़ नहीं पाया है। अब दूसरी प्रॉब्लम, अब इसको वीडियो को 3 GB का, करीब 3.5 GB का तैयार हुआ है। अब इसको हाई स्पीड मिलनी चाहिए अपलोड होने के लिए। तो 1.5 GB 2 GB के नेट प्लान होते हैं, एक फ़ोन से एक ही में हो सकता है। दूसरा सर्वर लेंगे तो फिर बैक मार देगा। तो अब हमको जाना पड़ेगा कहाँ, स्टेशन पे। तो अब हम उन्नाव स्टेशन पर वाईफाई लेंगे और बस वहाँ पे इसको अपलोड करेंगे। तो फिर स्टेशन पे मिलेंगे। 9 दिसंबर 3:76 MBPS 1.45 MBPS तक जाती है। चलो ये यहाँ पर सबसे नीचे वाली सीढ़ियाँ हैं, सबसे आखिरी वाली, पीछे GIC ग्राउंड। और ये यहाँ पर जो बैक साइड में पटरी, इसमें कभी कभी जम्मू तवी आती है। तो जम्मू तवी इसमें जब आई थी, दिखा देंगे वीडियो, तो जम्मू तवी इसमें आती है और बालामू आती है, उधर से आती है। नेट के लिए आए यहाँ पर और 4-5 MBPS 6 MBPS तक स्पीड बढ़िया जा रही है। और वीडियो अपलोड हो जाएगा, आज पहुँच जाएगा। और 9 तारीख है आज और 1:16 हो गया है, वीडियो जल्दी ही पोस्ट हो जाएगा। तो वीडियो देख लीजिएगा, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। फिर मिलते हैं। और ये व्लॉग स्टेशन का है, थोड़ा स्टेशन आए थे तो स्टेशन हमने कहा दिखा दे उन्नाव का आप लोगों को। और स्टेशन आए उसके पहले कहाँ गए वो आप लोगों ने देखा, तो अब देखिए कहाँ आए थे। अभी एक एक समोसे लिए हैं ये, और अभी एक ही लेंगे फिर उसको खाएंगे और फिर चलते हैं स्टेशन पे। यहाँ का यूनिक कॉम्बिनेशन ये मिर्चा,
और जो है स्टेशन रोड यहाँ पे जाती और सामने स्टेशन और हम लोगों की स्टेशन पे बताया अपलोडिंग के लिए जा रहे हैं, कभी दिखाते हैं क्या अपलोड किया और कितनी स्पीड मिली, तो मिलते हैं वहीं पे। तो फ्रेंड्स अपलोड करने के बाद हम घर आ गए और ये देख सकते हैं प्रीमियम हमने पूरा इसको सेट कर दिया। प्रीमियम 17 मिनट बाद है, 3 बजे है, तो फिर 3 बजे आप इसको देख सकते हैं वीडियो को। और तब तक हम और करते हैं कुछ काम। और ये पूरा वीडियो फिट हो चुका है, थंबनेल बन चुका है, यूट्यूब पे टैग्स भी लगा दिए, सब कुछ फिट फॉर है। और अब ये पोस्ट होने वाला है 3 बजे, तो ये प्रीमियर आप लोगों के में शो करने लगता होगा। अब मैं जब वीडियो डालता हूँ और सेट रिमाइंडर है तो आप लोगों को बता देगा कितने टाइम ये आएगा। तो स्टेशन के बाद अब घर पर आ गए, अब घर पर एडिटिंग ये किया और इसके बाद अब आज का वीडियो को एडिटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा आपको मैंने दिखाया, रोबोट 2.0 वाला जो वीडियो है, यानी जेड स्क्वायर वाला वीडियो है, वो अपलोड कर दिया है, एडिट कर दिया है, स्टेशन गए, सब मैंने आपको आज दिन भर का दिखाया। अब करीब 3:30 बज गया है, वीडियो यूट्यूब पर आ चुका है, तो बहुत लोगों ने देख लिया होगा और जो नहीं देखा वो अब देख लेगा ये वीडियो पढ़ने के बाद। तो अब बात करेंगे कि स्टेशन गया, वाईफाई मैंने दिखाया, इस बारे में इस वीडियो मैंने आपको दिखाया अभी तक का कि वाईफाई कैसा है और सब क्या है और स्टेशन में क्या क्या है। ये सब मैंने कुछ फुटेज आपको दिखाया, ज़्यादा वहाँ पर नहीं कर पाया ब्लॉग क्योंकि भीड़ बहुत थी और ठीक नहीं लगता है उतना, और कोई खास पब्लिक प्लेस है तो ना कोई नहीं, कोई वैसी जगह हो तो उसमें कुछ दिखाए भी। और अगली बार सिर्फ स्टेशन का बनाने जाएंगे, मैं सिर्फ वाईफाई के लिए गया था और अपलोड करने वीडियो, तो इसलिए मैंने बनाया। अब बात करेंगे कि जो मेरा वीडियो जेड स्क्वायर वाले जिन लोगों ने अभी तक देख लिया होगा, एक दिन हो गया, और उसके पहले भी जो वीडियो देखे, तो कुछ लोगों का मन में क्वेश्चन होगा कि एक्शन कैमरा को लेकर, क्योंकि एक्शन कैमरा है जो मेरे पास, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसा है क्या है उसके बारे में बताते हैं। तो ये है एक्शन कैमरा प्रोकस का, तो करीब 7,500 का ये एक्शन कैमरा था और इसमें बैटरी में से 2 मिली थी, यहाँ पर बैटरी पड़ती है यहाँ पर, और HDMI पोर्ट दिया हुआ है इसमें, तो HD आउट पोर्ट दिया गया है, माइक्रो HD कार्ड है एंड इसकी चार्जिंग का है। तो HD आउटपुट का अलग से इसका माइक मुझे नहीं मिल पाया अभी तक का, और वाईफाई कनेक्टेड है और 16 मेगापिक्सल है, वाईफाई कनेक्टेड है, 4K है। तो क्वालिटी आप लोगों ने देखी होगी, जो मैं शॉट थोड़े लेता हूँ एंट्री में लेता हूँ बाइक से या कहीं के शूट लेता हूँ, तो वो सब इसी क्वालिटी है। तो ये प्रोकस कैमरा 7,500 का पड़ा था, 7,000 के कुछ का रहता है। कोशिश करूंगा मैं इसका लिंक दे दूंगा आपको, तो अगर आपको लेना है तो ले लीजिए। वैसे तो अब बहुत सस्ते से आने लगे, 1500-3000 तक के भी आने लगे। ये मैंने डेढ़ दो साल पहले ले लिया था, मुझे कैमरा लेना था, मैं DSLR लेने की कोशिश में था 19,000 का, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो एक्शन कैमरा लेते हैं, 7,000 का कम में काम हो जाएगा। और बहुत लोग व्लॉगिंग भी करते हैं एक्शन कैमरा से, बट मुझे नहीं अच्छा लगा, वो फिश आई टाइप का लगता है, तो मुझे नहीं वो अच्छा लगा, तो मैंने मोबाइल से कंटिन्यू रखा। तो ये हो गई एक्शन कैमरा की बात। सॉफ्टवेयर फिल्मोरा से करता हूँ, वंडर से एडिटिंग। अब आज का वीडियो में कोई खास प्लान नहीं है, संडे था, आराम का टाइम था, कल बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई रात में एडिटिंग और सब, पूरा सुबह देर में उठा ये सब पूरा चला, तो आज कहीं का प्लान नहीं है। अगर नाइट में कहीं निकलते हैं तो वीडियो आगे का चलेगा, और अगर कहीं नहीं निकलते हैं तो फिर व्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। ये व्लॉग थोड़ा सा छोटा है क्योंकि इस व्लॉग में कुछ खास करने को था नहीं, और बस अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर, और अगर चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दीजिए, और फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, इंटरेस्टिंग वीडियो में। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि रेल वाला वाईफाई जो होता है वो आप यूज करके देखिए, मज़ा आ जाएगा। तो अगली बार किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, टाटा, बाय बाय।